अब खबर कोलबा जिले से है, जहां कोलबा पुलिस द्वारा लगातार नशीली दवाइयों, जुआ, सट्टा और अन्य अवैध कार्य करने वालों के खिलाफ लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और इसी क्रम में सजग कोलबा अभियान के तहत नशीले कैप्सूल और टैबलेट की बिक्री करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि गिरफ्तार आरोपियों से 45,320 नग नशीले कैप्सूल और टैबलेट बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। अवैध नशीली दवाइयों की बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोलबा से व्यास नारायण की रिपोर्ट। देखिए, सजग कोरबा अभियान के अंतर्गत कोरबा पुलिस ने उर्गा थाना एवं साइबर सेल की संयुक्त टीम थी, एबली लेड बाय सीएसपी दर्री, उन्होंने 45,320 नशीली टैबलेट जिसका कुल जुमला लगभग 2,06,294 रुपये है, इसको जब्त किया है। और ये टैबलेट 3 आरोपियों से गिरफ्तार मतलब बरामद की गई हैं, जिसमें से एक है अमन शांडे जो कि बरबसपुर का निवासी है, दूसरा है परमेश्वर केवट जो कि इसका किंग पिन है और नैला थाना जिला जांजगीर का रहने वाला है, और तीसरा टंकेश्वर उर्फ टिंकू राठौर जो कि सारा गांव जांजगीर चापा का रहने वाला है। इन तीनों के पास से हमने पीवॉन स्पास प्लस के लगभग 11,520 टैबलेट्स बरामद की हैं, दूसरा एल्प्राजोलम 0.5 का 31,200 टैबलेट्स और निट्रोसम 10 के लगभग 2,600 टैबलेट्स हम लोगों ने बरामद की हैं। इन सभी आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की विधिवत धाराओं के अंदर कार्रवाई की गई है।